हेलो फ्रेंड्स, सेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रफू करना बताऊँगी। जैसे हमारा कपड़ा रेडीमेड सूट हमने लिया और हमने ध्यान नहीं दिया और उसमें कट आ गया, या फिर आपके खुद के हाथ से ही गलती से कट लग गया हो, तो उसे हम कैसे ठीक कर दें कि उसको हम पहन सकें। ये कपड़ा मैंने लिया, ये देखिए, इसी पे मैं आपको कट लगा करके उसको रफू करके बताऊंगी। मान लीजिए ये आपका कपड़ा है, इसमें आपके बीच में इस तरह से कट लग गया या ऐसा छेद आया, ऐसा इस तरीके से छेद आया। ये आपका नया का नया सूट है और आप उसे पहन नहीं पा रहे हो, तो आप उसे ठीक करके पहन सकते हो, या फिर आपके हाथ से गलती से इस तरह से ऐसे आपसे खींची चल गई हो इस तरह से और ऐसा होल बन गया हो, तो उसे हम कैसे उसको ठीक करके उसको पहनने जैसा बना सकते हैं, ना कि उसे हम फेंक सकें। अगर रफू अच्छा होगा तो उसको आप पहन सकते हो, आपको वो अखरेगा नहीं। तो इन दोनों होल पे मैं आपको रफू करना बताऊंगी। नॉर्मल सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं और जिग जैग सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। मैं दोनों से एक एक रफू करके बताऊंगी। ये आपका होल है, इस पहले मैं आपको नॉर्मल सिलाई मशीन से इसको करना बताऊंगी, लेकिन मैं ये ऑटोमेटिक सिलाई मशीन है, इसमें एक से ज़्यादा आप स्टिच फंक्शन है, उस मशीन से रफू कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगी, और नॉर्मल सिलाई मशीन से भी रफू कैसे करें वो भी मैं बताऊँगी, और इसी मशीन से नॉर्मल पे करके हम बताएंगे। ए पे रखेंगे तो ये नॉर्मल सिलाई मशीन की तरह ही काम करेगी। अब हम इस पे रफू करते हैं। इससे थोड़ा सा हम बड़ा कपड़ा लेंगे इसी के सेम कलर का, और धागा आपको बिल्कुल सेम कलर का लेना है ताकि वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे। मैं जितना आप मैचिंग का धागा लेंगे उतना ही बढ़िया रफू होगा, वो दिखाई नहीं देगा, मतलब कहने का मतलब वो ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। ये हमने इतना कपड़ा ले लिया है। जैसे मान लीजिए ये आपका सूट है और ये उल्टी साइड होना चाहिए, सीधी साइड आपको इस कपड़े को नहीं लगाना है, उल्टी साइड ही आपको इसको लगाना है। इसको आपको इस तरह से रखना है और इससे थोड़ा सा बड़ी साइज में हम फ्यूज पेपर लेंगे जो चिपकने वाला होना चाहिए। इधर शाइनिंग दिखाई दे रही है, देखिए, तो वो चिपकने वाला साइड है, जिधर शाइनिंग होती है वो चिपकने वाला साइड होता है। ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा, मान लीजिए हमारा सूट है, उसके ये उल्टी तरफ इस कपड़े को रखना है जो हमने छोटा सा पीस काटा है इस तरह से, और इसका सीधा हिस्सा इधर रहना चाहिए और उल्टा इधर रहना चाहिए, ये भी आप देख लें। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे, उधर हमें चिपकने वाला होना चाहिए इधर की साइड, ये देखिए इस तरह से रखना। अब हम इस पर प्रेस करेंगे, ये देखिए हमने इधर फ्यूज पेपर चिपका दिया। अब हम इस पर नॉर्मल मशीन से या इस मशीन से, दोनों से आप रफू कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपको आपको इसको किस तरह से रफू करना। ध्यान रहे, धागा आप मैचिंग का लेंगे तो आपके उतना ही कम ओड लगेगा ये देखने में। इस कट के चारों तरफ हम एक स्टिच लगा देंगे। अब हम इसमें पूरे में अंदर अंदर स्टिच लगाते जाएंगे, बिल्कुल पास पास। आप इसको रिवर्स भी ले सकते हो इस तरह से, देखिए। ये देखिए रफू हो गया है यहाँ पे। अब आप चाहे तो इस पे आड़ा स्टिच भी कर लें, आड़ी और सीधी दोनों तरफ कर सकते हो।
अब मैं आपको इस पे जिग जैग स्टिच से रफू करना बताऊंगी। ये देखिए, इस पे आप बिना फ्यूज पेपर लगाकर भी कर सकते हो और फ्यूज पेपर लगाकर भी कर सकते हो। इस पे मैं आपको बिना फ्यूज पेपर लगाकर रफू करना बताऊंगी। इसमें हम मशीन की सेटिंग करेंगे, सेलेक्टेड आयल को हम सीध पर रखेंगे जो जिग जैग स्टिच करता है, और स्टिच लेंथ आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से कर सकते हो। मैं इसको 2 पे रखूँगी ताकि थोड़ा छोटा आएगा तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, जिग जैग स्टिच से हमने ये रफू किया है। अब आप इस पे अच्छे से प्रेस कर दीजिए तो ये बिल्कुल भी ओड नहीं लगेगा और नॉर्मल की तरह ही लगेगा। अगर आपके इसी तरह से नए सूट पे बन गया है तो आप इस तरह से कोई भी डिजाइन बनाकर आप उसको नया लुक दे सकते हो। फ्रेंड्स, इस पे मैंने आपको सीधी स्टिच करके बताया, और अगर आप चाहे तो इस पे जिग जैग स्टिच से भी कर सकते हो, लेकिन आपको कपड़ा रखना जरूरी है, मजबूत हो जाता है इससे, नहीं तो वो जल्दी से हट भी सकता है। और इस तरह के कट में आप जिग जैग स्टिच कर सकते हो, उससे भी ये पक्का हो जाता है, क्योंकि ये देखिए ये बहुत मोटा आता है इस तरीके से। अगर आप इस पे जिग जैग स्टिच नहीं करते हो तो आपको इसके नीचे भी कपड़ा रख के आप सीधी स्टिच भी कर सकते हो। इस तरह से 2-4 स्टिच आप सीधी लगा लें तो ये अच्छे से पक्का हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स।